तो कैसे आप लोग। तो गाइस जो आज की वीडियो होने वाली है वो अभी तक की सबसे कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा यूनिक सा गैजेट बनाकर दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ठीक है, वो आप वीडियो देख लेना, वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका क्या यूज है और क्या क्या यूज है। ठीक है, बहुत ही कमाल का होने वाला है और इतना यूनिक प्रोजेक्ट आपको पूरे यूट्यूब में अभी तक नहीं मिला होगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बनता है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं है। ठीक है, और काफी मस्त सा प्रोजेक्ट है। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सब्सक्राइब कर लो ना यार, और अगर अभी नहीं करने का मन है तो पहले वीडियो कंप्लीट वॉच कर लो, लास्ट में आपका जरूर मन करेगा सब्सक्राइब करने का। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्या फायदा है ऐसी। ठीक है, अगली वीडियो कैसे देख पाओगे, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक लाइक जरूर कर देना। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इस कमाल के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम अपने वर्कशॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पे काफी टाइम बाद हमने फिर से अपना एक बॉक्स ले लिया है, यही वाला जिसमें हम रखते हैं कुछ गियर मोटर। ठीक है, जो कि हमारे पास है, और ये टायर जंबो वाले। ठीक है, तो इनका तो यूज फिलहाल नहीं है, यूज हमारा होने वाला है गियर मोटर्स का। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें वैसे तो चार मोटर का भी यूज किया जा सकता है, जितने में उतने मोटर लगाए जा सकते हैं, और उनका डिजाइन थोड़ा अलग होगा। तो जो हमारा डिजाइन है वो हम अपने हिसाब से लेने वाले हैं, तो दो मोटर इसमें से ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों मोटर का यूज करेंगे, उसके बाद क्या करना है वो आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो हमें इसकी पुली बनानी पड़ेगी, एक पुली टाइप का आकार बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लगभग इसको 2.5 सेंटीमीटर खोल लेते हैं और इससे जल्दी से दो सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे देखते तो इस तरह के दो सर्कल हमने कट कर लिए हैं, और इसका मिड वाला पार्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे ये जो विक्स का छोटा वाला डिब्बा होता है ये यूज करने वाले हैं। वैसे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके मिड वाला पार्ट पीवीसी से भी बना सकते हो रोल करके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको हम चिपका देंगे और ये हमारी एक पुली बन जाएगी। तो चलो जल्दी से इसको चिपका लेते हैं। इसके चिपकाने के लिए हम सुपर ग्लू का भी यूज कर सकते हैं और ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखते तो इस तरह से एक पुली हमने रेडी कर लिया है बिल्कुल परफेक्टली, और अब क्या करना है यहाँ पे इसके मिड में, बिल्कुल मिड में एक होल करना है। ठीक है, आर पार, जिससे कि हम ये दोनों मोटर इसके साइड में लगा सके। तो चलो कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने होल कर लिया दोनों साइड में, और अब हम इसके शाफ्ट को आराम से इसमें लगा सकते हैं और इस साइड से इधर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों मोटर ये दोनों तो इधर उधर हिलने वाले हैं, तो इनको एक साथ रखने के लिए भी कुछ करते हैं। गाइस यहाँ पे इन दोनों मोटर को एक साथ रखने के लिए मैंने कुछ इस तरह का एक पीस बना लिया है। ठीक है, गैस पर हीट करके, और अब हम इसको यहाँ पे चिपका देंगे। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने मोटर को रोक दिया, अब दोनों मोटर एक साथ रहने वाले हैं। और अब क्या करना है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमें एक बैटरी ले रहे हैं मोबाइल की। ठीक है, हैवी सी ले रहे हैं, और आपको भी ट्राई करना है कि हल्की बैटरी मत लेना इस प्रोजेक्ट में, इसका कारण क्या है अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से नीचे की साइड में लटकाने वाले हैं। ठीक है, कहीं और कर ही नहीं सकते, सिर्फ नीचे ही लटका सकते हैं, एक ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब किस तरह से लटकाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद कनेक्शन करते हैं। गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे हमें इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और करना कैसे है, हम यहाँ पे सीधा सीधे कनेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी हालत में हम इस रास्ते को बंद नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्यों नहीं कर सकते अभी आपको पता चल जाएगा। इसलिए हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हम कुछ इस तरह से इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। तार थोड़ी लंबी लगेगी लेकिन करना हमें इसी तरीके से पड़ेगा, तो चलो जल्दी से करते हैं। बस यहाँ पे देखते हो इस तरह से पैरेलल में दोनों को कनेक्ट कर दिया है, और अब क्या करना है, बैटरी को यहाँ पे लटकाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैटरी से एक वायर तो कनेक्ट कर देंगे और एक वायर छोड़ देंगे, कि एक वायर जैसे हम कनेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे ये दोनों हमारा यहाँ पे बंद हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, और हमें बंद नहीं करना, तो कहोगे कि बैटरी लटकाएंगे तब तो बंद हो ही जाएगा,
तो उसका सिस्टम कुछ देख रहे हैं हम करने के लिए, और सबसे पहले तो काम करते हैं पूरा कंप्लीट। बस यहाँ पे जैसे तो एक कनेक्शन तो हमने कर दिया है, ठीक है, और अब इसको लटकाने के लिए हम यूज़ करेंगे टेप का, ठीक है, और बाकी का कनेक्शन हम सीधा वहाँ करेंगे जहाँ पे टेस्ट करना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा। फाइनली हम बाहर आ चुके हैं, और इतनी देर से जो मैं सस्पेंस क्रिएट करके बैठा हूँ कि ये है क्या चीज, ठीक है, आप लोग भी कह रहे हो यार बन क्या रहा है ये। तो गाइस यहाँ पे अब मैं बाहर आ गया हूँ और अब आपको सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पे देख लो हमारे पास एक रस्सी है, ठीक है, और इस रस्सी को देखने के बाद ही मेरे दिमाग में इस प्रोजेक्ट का आइडिया आया था। मैं सोचा यार ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक लंबी है, और मुझे कुछ खुराफाती करने का आइडिया आया, तो मैं सोचा चलो यार इसमें कुछ चलाने वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जो इसमें चल पाए, ठीक है। तो उतनी देर से हम वही बना रहे हैं, और देखो ये चीज़ मैं क्यों खुला छोड़ा, क्योंकि हमें इसे यहाँ पे इस तरह से लगाना है, ठीक है, और तब जाके हम वायर कनेक्ट कर पाएंगे, उसके बाद फिर टेप से चिपकाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके लॉक होगा। तो चलो देखते हैं कि इस तरह से काम करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब पता नहीं किस तरह से काम करेगा, कैसे काम करेगा, लेकिन हाँ काम करना चाहिए तो मजा आएगा। तो चलो देखते हैं। फाइनली हमने प्रोजेक्ट को ऊपर सेट कर लिया है, ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि किस तरह से चलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो आप इसको मैं किया ऑन, और अब छोड़ते हैं। ओ भाई साहब देख सकते हो ये तार पे किस तरीके से चल रहा है और कहाँ तक चलेगा, ठीक है, कैमरा पीछे पीछे ले जाए इसके। और गाइस देखो यहाँ पे, ओ भाई साहब कहाँ जा रहा है देख लो आप, ओ भाई साहब वो चला गया, अरे रुक जा, अरे यार वो तो ऊपर चला गया, वो देखो वो जाके वहां फंस गया, अब मैं उसे निकालो कैसे। तो चलो पहले उसको निकाल लेते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या यूज है, ठीक है, इसके बहुत सारे यूज है और बहुत अच्छे अच्छे वाले भी यूज है। तो आप लोग कहोगे भाई हम तार पे चला के कर क्या लेंगे इसको, तो मैं बताता हूँ कि आप जैसे हो गया कि जैसा कि मैं आपको दिखाया ना, आप मोबाइल इसके नीचे लटका के शूट कर सकते हो, ठीक है। आप कहोगे इस तरह से हम कौन सा सीन शूट करें, तो जैसा कि आपका होता है ना एक छत से दूसरे छत तक सामान पहुंचाना, ठीक है, जैसे आपका छत है किसी और का छत है, ठीक है, तो आपको अगर इस तरह से सामान एक दूसरे को ट्रांसफर करना है तो आप इस तरह के से इसके नीचे सामान रख के, थोड़ा बहुत सामान रख के ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही इस तरह की वीडियो बना सकते हो जिस वीडियो को बनाना इस तरह से पॉसिबल नहीं है बिना ड्रोन के, ठीक है। अगर आपको एक छत से दूसरे छत की तरफ एक बढ़िया सा सीन है उसको लेना है तो इसके नीचे मोबाइल को ध्यान से फंसा देना है, ठीक है, गिरने तो वाला है नहीं क्योंकि वो अटक जाता है पूरी तरह से, ठीक है। अगर वो टायर से हट भी गया तो गिरेगा नहीं क्योंकि लॉक हो जाता है बैटरी वैटरी के साथ, ठीक है, तो गिरने तो वाला है नहीं, बस मोबाइल को बढ़िया से नीचे लगाने का सिस्टम बना लेना है। और इस तरीके से आप बहुत बढ़िया सीन शूट कर सकते हो, ठीक है। मेरा मोबाइल स्टेबल नहीं था, पुराना वाला मोबाइल लगाया था, इसलिए तो अगर ये वाला मोबाइल लगा था तो बहुत ही ओपी सीन आना था। तो कुछ इस तरह के यूज कर सकते हो। साथ ही अगर इस तरह का बनाया जाए फ्यूचर में तो हम इसको लटक सकते हैं फ्री फायर जैसा, जैसे
क्लॉक टावर से दूसरे जगह जाने के लिए होता है ना, तो बिल्कुल वैसे यूज हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपको एक ऐसी चीज बनाकर दिखाई जो शायद कभी किसी ने बनाकर ना दिखाई हो यूट्यूब में, क्योंकि ये तो भाई मेरी खुद की सोच है, अब किसी ने बनाई होगी तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको गैजेट पसंद आया होगा, पूरा यूनिक आपको बनाकर दिखाने की कोशिश की, इस तरह से मेरे दिमाग में आ गया तो मैं सोचा चलो आपको भी बनाकर दिखा देते हैं। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है, यूनिक सा आइडिया पसंद आया और आगे और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, तभी अगले वीडियो में मिल पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं मिल पाओगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक नहीं किया तो क्या करो बैठे बैठे, लाइक कर दो वीडियो को। चलिए आज की वीडियो में इतनी, तब तक लो गुड बाय।